अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको हुरूफ़ तहज्जी और उनकी लिखने की अलग अलग बनावटों के बारे में बताया था कि हुरूफ़ तहज्जी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्ल से बनाई जाती हैं। आज मैं आपको हिंदी की मात्राओं की मदद से उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। हिंदी स्वर अक्षरों की मात्राओं को मदद से हम उर्दू को आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी स्वर अक्षरों की मात्राएं लिखी हुई हैं और इसी की मदद से मैं आपको आज उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं आ, छोटा आ। इसके लिए हम इसकी मदद से हम उर्दू में अलिफ की आवाज को पकड़ते हैं और अलिफ लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है का अकरंडा मा काम, तो हमने का फलिजर का मीम साकिन काम, ना अकरंडा मा नाम, नून अलिजरना मीम साकिन नाम, सा अकरंडा रासरस सारस, तो सीन अलिजरसा रेसिन जबरस सारस। बड़े आ की मात्रा के लिए, बड़े आ के लिए हम उर्दू में अलिफ मद का इस्तेमाल करते हैं। अलिफ के ऊपर हम एक सिंबल लगा देते हैं तो इससे हमारी अलिफ की आवाज डबल हो जाती है। जैसे बड़ा आ मा आम, अलिफ मजवरा मीम साकिन आम, बड़ा आ व अकरंडा जा आवाज, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है अलिफ मजवरा वाव अलिजबर वा जे साकिन आवाज आरजू, तो अलिफ मजवरा रे जबर्रा जे वापस जू आरजू। इसी तरीके से छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए हम उर्दू में जेर का इस्तेमाल करते हैं, छोटी जेर का। जिस तरीके से यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और लिखा हुआ है सिलाई, तो हमने सीन के नीचे जेर लगाई हुई है, सीन जेर सी, लाम जर ला, हमजे जेर ई, सिलाई। लिखना, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो हमने यहाँ पर लिखने के लिए लाम के नीचे जेर लगाया हुआ है, लाम जेर ली, खा जबर खा, नून अजरना, लिखना। इसी तरीके से यहाँ इबारत लिखा हुआ है, एन जे ई, बे अजरबा, रे ते जबरत, इबारत। बड़ी ई, बड़ी ई के लिए हम उर्दू में जेर प्लस छोटी ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ बड़ी की मात्रा लिखी हुई है दीवार, तो दाल रे दर्दी वा अलजरबा रे साकिन दीवार, जाइए दीवाना। यहाँ सब बड़ी मात्राओं का, बड़ी ई की मात्राओं का इस्तेमाल हुआ है, दाल दर्दी वाव अलजरबा नून हजबरना दीवाना। छोटे ऊ, छोटे ऊ के लिए हम पेश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उस्ताद, खुदा, उड़द, उदास। यहाँ अलिफ पर पेश लगा हुआ है, अलिफ सिन पेश उस, ते अलिजरता, दाल साकिन उस्ताद, खे पेशखू, दाल अलजरदा खुदा, अलिफ पेशू, उड़े दाल अलद, उड़द, अलिफ पेशू, दाल अलजरदा, सिन साकिन उदास। बड़े ऊ की मात्रा के लिए, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम उल्टा पेश और वाव का इस्तेमाल करते हैं। उल्टा पेश जो है हमेशा वाव पर ही लगता है, जैसे सूरज, सीन वाव उल्टा पेश सू, रे जीन जबरज सूरज, दाल वाव उल्टा पेश दू, धा साकिन दूर, सा उड़वाओ उल्टा पे सू, रे जबर्रा मीम हजरमा सुरमा। आज मैंने आपको अलिफ आ से, जो आ से यहाँ ऊ की मात्रा तक की, मैंने आज आपको स्वर की मात्राएं जो है उसके जरिए उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाया है। और जो मैंने वर्कशीट दी है आप उसकी मदद से आप उर्दू लिखिए, हुरूफ़ तहज्जी की शक्लें भी बनाइए और इन मात्राओं की मदद से उर्दू जो मैंने वर्कशीट दी है वो काम करिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह जो मात्राएं रह गई हैं वो हम अगली क्लासेस में जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।